देखो ये नाटक करने आया है। बीवी हमें बोल रहा था कि मुझे तुमसे थोड़ा काम है। क्या काम है बोलो? मुझे एक जगह पे जाने थे, चलेगा क्या मेरे साथ? नाटक ये करेंगे ये मेरा बात छोटा पकड़ क्या। सुनो, आज से मैं इस रूम में सोऊंगा, तुम उस रूम में। ये सो नहीं पाएगा, फिर रात को उठ के मेरे पास आ जाएगा। ये रात को आता है चिपके से। मैं जा रहा हूँ, जाओ जाओ, दफा हो जाओ। घर छोड़ के जा रहा हूँ, दफा हो जाओ। इधर से रास्ता इधर है, कुछ दुखे वगैरह नहीं है। बहुत पार्टी करूंगा गाइस, पार्टी तो करती है। गाइस फ्रिज के भी डीप क्लीनिंग चल रही है यहाँ पे वॉशरूम में। ये देखो गोपी बहू फ्रिज को पानी से सर्फ से धो रही है। तो गाइस हमने सब कुछ धो के यहाँ पे सुखाने के लिए छोड़ दिया है ताकि ये पूरा ड्राई हो जाए आराम से। पीटर कुछ बोल रहा है, तब से ये सुनते हैं क्या बोल रहा है। बकवासी कर रहा होगा। बोल रहे हो अंदर तक पानी? नहीं नहीं अंदर मत पानी दो, क्योंकि ये पूरा नीचे आएगा ना, रूम में आएगा पानी। तुम ये सब लाइन क्लियर करो, ये सब लाइन, उधर भी लाइन है देखो, वो सब लाइन धीरे धीरे ऊपर से चला जाएगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे ये सब सूख रहा है। यहाँ पे फ्रिज को भी धूप सेका रहे हम लोग, फिर खाना भी बनाना है। बहुत लेट भी हो चुका है, बहुत जोर से भूख भी लगा है, एंड आई एम कंफ्यूज कि क्या बनाऊं। लेट्स सी क्या बनता है। मेरे पास पल्सेस है, कुछ दाल है, सो मिलते हैं इसको वॉश करने के बाद। कुछ मटर है मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मटर छील के उसमें दे दूँ दाल में, टेस्टी बनेगा क्या। वैसे इतना सोचना नहीं चाहिए, यू नो, कौन इतना सोचता है कि क्या है नहीं है, बस जो है वो बना दो। सर तो बाजार जाने का टाइम नहीं मिला था, ये फ्रिज व्रिज के चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, वरना तो मैं सुबह सुबह मतलब कुछ ना कुछ बना ही लेता हूँ। बेसिकली आज मेरे पास कोई प्लान नहीं है, अदर्स डेज मेरे पास प्लान होता है कि क्या बन सकता है, या फिर प्रीवियस नाइट में मैं कुछ लेके रखता हूँ। देखो गाइस ये अब आया है, ये आया अभी बकवास करने के लिए, बकवास करने के लिए आया गाइस। यहाँ पे सब कुछ हो गया, दिया है खाना बन के लेगा, ये क्या हो गया? जा रहा हूँ घर छोड़ के। जाओ जाओ, दफा हो जाओ, घर छोड़ के जा रहा हूँ, दफा हो जाओ। इधर से रास्ता इधर है, रास्ता इधर पे है, जा ना, जा सच में बोल रहा हूं, जा छोड़ के। तुम गुस्सा को मुझे फिर तुम दुखी हो जाओ, जा फ्रिज साफ कर, जा हो गया तेरा काम, जा फ्रिज साफ कर। दुखी हो जाओगे, मैं चला गया आज सोच के। कुछ दुखी वगैरह नहीं है, बहुत पार्टी करूंगा गाइस, पार्टी तो करती है। अच्छा साफ किया तुमने, पार्ट टाइम ऐसे काम कर सकते हो तुम अर्बन कंपनी में। साफ तो हुआ है, लेकिन और एक कोटिंग साफ सफाई का जरूरत नहीं है, साफ हो गया अब उसको कुछ जरूरत नहीं है। आई श्योर। ये क्यों चला गया बाथरूम का? अरे सब कुछ साफ करना है ना, बाथरूम में भी कपड़े भी है। गाइस घर का हालत अगर अच्छे से आप लोगों को दिखा दिया ना, आप लोग भी डर जाओगे कि ये क्या हो गया। मैं ही दूंगा मेरे पैसों से, अपने पैसों से। कल कुछ खरीदने के लिए बोला था गाइस, बात सुना दिया था, मैं बोला ठीक है अपने अपना जब पैसा खुद का जब सैलरी आएगा तब मैं खरीदूंगा, इसका पैसा इस इंसान का पैसा मैं नहीं लूंगा, इस इंसान का। ऐसे कैसे बोल सकते हो मुंह से? तो मेरा पैसा तो तुम्हारा ही है। देखो हाथ झड़ रहा है, झीट झीट मेरा पैसा तो तुम्हारा ही है, लेकिन जब देने की बात होता है तब देखो देता नहीं है, तब जब देने की बात होता है तब देता नहीं है, बस बोलता है जब मार दूंगा मैं। जब चीज खरीदने का बात होता तब ये क्या करोगे, ये कहाँ लगाओगे, ये कहाँ रहेगा, इसमें क्या चीज रह सकेगा, सब चीज का इसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, फिर जाके इसके पॉकेट से निकलता है। ये बबल गम रूम है, पता है गाइस मैंने इस रूम का नाम दिया है बबल गम रूम, क्योंकि यहाँ पे पूरा पिंक एंड ब्लू है सब कुछ। सो दिस रूम इज लाइक बबल गम रूम। क्या कर रहे हो तुम? तो अपना शकल देखो, कौन है ये क्यूट सा लड़का, कौन है? Who is this cute guy? बिल्कुल क्यूट नहीं है। कौन है ये? है एक। सुनो आज से मैं इस रूम में सोऊंगा, तुम उस रूम में, ठीक है? दोनों अलग, दोनों के रास्ते। कब से चाहिए था गाइस ये, तो मैं कब से बोल रहा था कि दोनों अलग अलग सोते हैं। नो वरीज, मैं तो सो जाऊंगा अकेले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सो नहीं पाएगा, फिर रात को उठ के मेरे पास आ जाएगा, ये मुझे पता है, इससे पहले भी हुआ है गाइस। मैं कहीं और सोता हूँ, ये आ जाता है चुपके से, आएगा आके मेरे बगल में आके सो जाएगा रात को। रात को आता है, सब बता दो। रात को आता है चुपके से, दबे पाव आता है रात को। तो गाइस हमने फ्रिज को उसकी जगह पे सेट तो कर दिया है, बट द प्रॉब्लम इज ये स्विच काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है अभी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जब नॉर्मली चेक कर रहा हूँ तो वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने के लिए जब चेक कर रहा हूँ तो इट्स वर्किंग।
स्ट्रेंज, अब लगता है सब कुछ हम मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ेगा ताकि वो काम करे। मुझे लगा कि ऐसे भी इस घर में बहुत सारे स्विचेस में प्रॉब्लम है, जैसे कि बेल नहीं बजता है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक और स्विच है ये काम नहीं करता है, देन देयर आर अदर स्विचेस दैट आर नॉट वर्किंग एक्चुअली, जैसे किचन का ये स्विच है, स्विच बोर्ड, इसको पूरा चेंज करना है, इट्स लुकिंग डर्टी एंड हॉरिबल। फ्रिज तो काम कर रहा है, चलो एटलीस्ट खाना तो रख सकेंगे। तो गाइस ये सूख चुका है, तो मैं इन सबको भी पहले उठा लेता हूँ। इसमें कांच भी है, कांच को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ और बाकी इसको जो है इसको मैं उठा लेता हूँ हाथ में। तो गाइस सारा दिन मेहनत करने के बाद नहा धो के अभी हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। हम लोगों के पास अभी कुछ टेबल वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग अभी जमीन पे ही सब कुछ कर रहे हैं और अभी खा के मिलते हैं आप लोगों से। ओके तो गाइस अभी शाम हो चुका है, खाना वाना खाना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, सो ये जो फ्रिज हम लोग लेके आए थे आज, क्लीन किए थे, तो अभी मैं आपको फ्रिज का थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। फ्रिज तो अंदर से अच्छा लग रहा है, अभी इसमें जितने भी रैक्स वगैरह थे उसको सेट करना है, सो लेट्स सी। इसको लेके बहुत केयरफुली करना पड़ता है, यू नो। गाइस फ्रिज हो चुका है सेट और पीटर अभी इसमें फ्रूट्स रख रहा है। कितने ही फ्रूट्स आएंगे इसमें? एग्जैक्टली पहले चला दो। नहीं करंट नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा। ओके गाइस तो मैं ये फ्रिज सेट कर चुका हूँ, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि मतलब क्या है, एज इन लाइक ये रहा बेबी। देखो ये नाटक करने आया है। बेबी मैं बोल रहा था कि मुझे तुमसे थोड़ा काम है। क्या काम है बोलो? मुझे एक जगह पे जाने थे, चले गए क्या मेरे साथ? नाटक है गाइस ये। मेरा बाल छोटा पकड़ के पूरा नाटक मुझे फ्रिज दिखाने दो। अच्छा तुम दिखाओ, जाओ धीरे से खोलना, हल्का हल्का ठंडा है गाइस, यहाँ पे वेजीज है, ठीक है खोल के दिखाने का जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है, धीरे 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 आराम से। यहाँ पे फ्रूट्स है गाइस, यहाँ पे कुछ मैंने केचप वगैरह रखा है, यहाँ पे कुछ हनी पीनट बटर, यहाँ पे मेयोनीज और यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस और कुछ नहीं है फ्रिज में। किचन थोड़ा डर्टी लग रहा था तो इसको हटाने का, थोड़ा क्लीन हो गया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाजार, हम लोगों को कुछ बहुत बाजार बाजार बहुत कुछ खरीदना है सामान, जो फ्रिज हमने आज लगा लिया, वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स थोड़ा है थोड़ा और लेना है, और तो गाइस बाजार पहुंच के देखा कि बहुत ही ज्यादा भीड़ था और मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं पीटर के पीछे 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 चलता रहा जहाँ जहाँ वो जा रहा था। तो हम लोग जाके पहुंचे फिश मार्केट में और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा वैरायटी के फिश थे, तो मुझे तो समझ में नहीं आता है पीटर ने फिश चूज करना शुरू कर दिया। अच्छा से बार्गेनिंग करना, तुमको और कोई कुछ और फिश खाना है तो देख लो। मुझे फिश पसंद नहीं, वैसे भी मुझे जो पसंद आ रहा है वो मैं ले रहा हूँ। मेरी सब पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट तो तुम खाते हो। हमारे पास कैश नहीं था तो ऑनलाइन भी यहाँ पे नहीं लेते हैं, चेंज ले लिए, किसी और दुकान से लाके चेंज लेके आना पड़ा। क्या जमाना आ गया हमारे लिए। तो गाइस ये प्याज को ज्यादा लाल नहीं लग रहा है ये लाइट के वजह से। क्या चाहिए तुमको? मुझे चाहिए बैंगन, यहाँ तो है, तो यहाँ पे है, लेकिन मशरूम नहीं है, मशरूम भी चाहिए। आगे चलो फिर, और आलू भी, आलू लेना है। तो हेल्प कर दो क्या, देख तक बैठे, मैं हाथ नहीं गंदा करना चाहता अपना। गाइस मछली आलू सब लेना हो चुका है, पीटर अभी ले रहा है मशरूम और खीरा। बाजार करना हो चुका है, अभी पीटर कुछ और देख रहा है। हेलो डर, अच्छा यू कैन ट्राई। शॉपिंग तो हो चुका है, उसके बाद आ चुका है यहाँ पे आमी, यहाँ पे हमें लेने के लिए। बहुत शो, तुम यहाँ आगे बैठ जाओ तुम। गाइस हम घर तो पहुंच गए और पीटर गया है फिर से बाहर, और हमने जो लाइट चेंज किया है येलो लाइट, देख सकते हो आप, ये रहा ये लाइट हमने चेंज किया है यहाँ पे, और ये और भी अच्छा लग रहा है इसके वजह से। एनीवे तो पीटर गया है बाहर मैगी लाने के लिए, एक्चुअली उसको खाना था शामिम को, वो काम से आया था तो बहुत ज्यादा भूखा था तो उसको चाहिए था। ये एक लाइट लिया हमने, इसको लगाना है, बट द प्रॉब्लम इज सेम, समझ में नहीं आ रहा है कि लगाते कैसे लाइट को, इलेक्ट्रिक का काम बिल्कुल समझ में नहीं आता है मुझे तो।
कभी कभी गरीबों को खाना खिला देना चाहिए। थोड़ी टाका दिया आना गाइस, हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो हम लोग सोचा चलो उनो खेल लेते थोड़ी देर। पीटर पीटर फर्स्ट, उसके बाद में ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा चीटिंग कर रहे थे बट बहुत मजा आया। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 और अभी हम लोग जो फिश लेके आए थे उसको पीटर ने यहाँ पे अच्छे से साफ करके इसमें भी वो हल्दी और नमक मिक्स करेगा, जिसके बाद उसको हम लोग फ्राई करेंगे और हम लोग उसको खाएंगे चावल के साथ, और इसके साथ दाल भी है। मैरिनेट, हाँ मैरिनेट करो। चलो चलो मिक्स करो, देखते हैं कितना तुमको आता है। यूजुअली मम्मी को मैंने देखा है कि वो हाथ से लेती है ऐसे डाला और उसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दिया। तुम उसको ऐसे चम्मच से लेके नाप रहे हो, ऐसे उसको ऐसे ऐसे करके दे रहे हो। इट टेक्स सो मच टाइम। मम्मी तो दिन भर खाना बनाती है ना, तो उनका वो है, हम तो दिन भर खाना नहीं बनाते ना, दैट इज व्हाई। अब मैं ऑलरेडी बहुत बार इसको वो कर चुका हूँ, धोने मोने में बहुत ज्यादा वो चला गया मेरा। गाइस हमें किचन में बहुत सारे सामान चाहिए, कोलैबोरेशन के लिए जल्दी भेज दो। कौन भेज देगा, कोई भी भेजे, कुछ भी भेज दे। हमें किचन को बहुत अच्छे से सजाने का हमारा प्लान है, तो आप लोग अगर कोलैबोरेट करना चाहते हो तो वी आर ओपन टू कोलैबोरेट। क्या बोलते हो, तुम ओपन हो कोलैबोरेशन के लिए? हूँ नहीं, बोलो अच्छे से। चलिए पीटर कुछ कर रहे, देखते हैं। ऐसे ही बोल रहे थे ना तुम। तुम्हारी मम्मी करती है हाथ से, मैं भी हाथ से करूँ। थोड़ा सा ऑयल दो क्योंकि इसमें, ये रहा लिटिल बिट, वेरी लेस बस। गिर रहा है, मुझे दिखा भी नहीं। सरसों का तेल हो तो अच्छा होता। ये क्या व्हाइट ऑयल है? तो सरसों का तेल तो है हमारे पास, लेकिन फिर उसको काटने से बॉटल नहीं है ना, फिर काटना पड़ेगा। राइट, मच्छी की बॉडी को अच्छे से ऐसे करके मैरिनेट करो, मच्छी को बॉडी जो है मच्छी का उसको तो प्यार से मैरिनेट करो। शेफ पीटर कपूर, अच्छे से मैरिनेट करो, मालिश दो उसको, मालिश दो। तो ये हो चुका है, दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। लगे ये कौन सा मछली है? भेटकी। भेटकी, भेटकी को क्या बोलते हैं? भेटकी जिसका फिश फ्राई बनता है। इसका फिश फ्राई बनता है, अरे वो फिश फ्राई से बंगाल में बनता है। बाहर बनता है लेकिन वो डिफरेंट टाइप का फिश फ्राई होता है। फिलेट, फिलेट तो मतलब पीसेस होता है। फिले मतलब पीसेस होता है, फिले का पीसेस होता है। अब मुझे बता भेटकी को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलो गाइस। आप लोग वहाँ पे भेटकी फिश को क्या बोलते हैं, अगर कोई है जो बंगाली है बाहर रहते हैं या फिर कुछ ऐसा जिसको पता है कि क्या बोला जाता है इसको, हम तो इसको भेटकी बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता। राइस तो बन चुका है, अभी फिश फ्राई बन रहा है, और हमारे पास अभी तेल को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही डालने के बाद उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा अभी फिलहाल तो। बस बस कितना तेल दे रहे हो? दो ही फिश फ्राई करना है, थोड़ा सा तेल नहीं होगा ना तो वो नहीं होगा अच्छे से। काला धुआं उठने तक वेट करना पड़ेगा, पता है ना तुम्हें। अब उसको धीमा करके धीमा आंच में डाल दो। इतना डर के रहे हो? पहले गंदा की आप सफाई कर रहे हैं, कभी सोचा था इतना मेहनत करना पड़ेगा घर लेने के बाद? नहीं ये गिर जाएगा ये मैं नहीं सोचा था, अभी ज्यादा नहीं कट रहा है। इसको वो ऊपर से तेल दो, हाँ ऊपर से उसको। तो गाइस हमारा स्ट्रगल तो ऐसे चलता रहेगा, आप लोग आप लोग देखते रहेंगे हमारा स्ट्रगल। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, हमें इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आज खाने में है दाल चावल और फिश फ्राई, गर्मा गर्म फिश फ्राई। तो हम लोग इसके ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो करो गाइस, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही दो। सब्सक्राइब तो कर ही दो क्योंकि सब्सक्राइब से हमें बहुत मदद मिलती है, हमारा वीडियो और लोगों तक पहुँचता है और लोगों को हम इंस्पायर कर सकते हैं। बाय बाय बाय।